दोस्तों सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और साथ ही साथ सर्दियों का सीजन भी चल। वैसे में शादी के बाद पहली प्लानिंग यही होती है कि हनीमून के लिए कहाँ जाएं, और जब सर्दियों का मौसम हो एक अच्छी जगह वेकेशन पर जाना बेस्ट ऑप्शन है। कई कपल्स तो शादी से पहले ही इसकी प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ शादी होने के बाद वेन्यू डिसाइड करते हैं। ठंडे मौसम में खूबसूरत जगहों पर घूमने का मजा ही कुछ और है। जहाँ एक तरफ हमारे हिल स्टेशन बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मौसम बहुत दिलचस्प हो जाता है और घूमने के शौकीन लोग इसी मौके का इंतजार होता है। खासकर कपल्स इस समय का इंतजार करते हैं और ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए किसी अच्छे और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर निकल पड़ते हैं। अगर आप भी इस समय अपने हनीमून ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में आपको इंडिया के मोस्ट फेवरेट और सबसे खूबसूरत हनीमून स्पॉट्स के बारे में बता रहे हैं, जहाँ कपल्स हनीमून पीरियड को खूब एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों हनीमून को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे खूबसूरत जगह पर जाना रिलेशन को मजबूत व हनीमून को यादगार बनाता है। तो आइए चलिए जानते हैं इस बेहद खूबसूरत मौसम में हनीमून के लिए इंडिया में कहां कहां घूमने जाया जा सकता है। दोस्तों बेस्ट और टॉप हनीमून डेस्टिनेशन में सबसे पहला नाम जो आता है वो है मनाली। मोस्ट फेमस मनाली इंडिया के हनीमून प्लेस के लिस्ट में सबसे पहली पसंद माना जाता है। ये है टूरिस्ट डेस्टिनेशन हनीमून कपल्स के साथ साथ फैमिली वेकेशन, ग्रुप टूर और दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप के लिए भी एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। यह जगह स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए हर प्रकार के लोगों की सबसे फेवरेट प्लेस है। मनाली में रोहतांग पास, सोलोंग वैली, नगर केशल, हिडिबा देवी मंदिर, मणिकरण गुरुद्वारा, गुलाबा, जोगिनी वाटरफॉल, बीज नदी सहित मॉल रोड आदि देखने और घूमने लायक जगह। यहाँ इंडिया के अलग अलग राज्यों से लोग सर्दियों के मौसम में छुट्टी मनाने, घूमने, स्नोफॉल देखने, पैराशूटिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग करने के लिए यहाँ आते हैं। शिमला पहाड़ों की रानी। शिमला हनीमून कपल्स के लिए बहुत यादगार टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जाने के लिए कोई फिक्स मौसम या कोई फिक्स समय नहीं है, क्योंकि साल भर यहाँ मौसम अच्छा रहता है, इसलिए आप कभी भी यहाँ जा सकते हैं। शिमला में आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां आपको अपने पार्टनर के साथ मॉल रोड की वॉकिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस फील कराएगी। शिमला में आप कुफरी, जाहू टेंपल, मॉल रोड, रिज, चर्च और स्टेट म्यूजियम आदि जैसे टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेंगे। विंटर सीजन में स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए आप यहाँ नवंबर मंथ से लेकर फरवरी मंथ तक घूमने आ सकते हैं। नंबर 3 गोवा। गोवा भारत का एक ऐसा हनीमून स्पॉट है जो अपने चार्मिंग बीचेज, नाइट लाइट, विंटर स्पॉट्स और सी फूड के लिए जाना जाता है। शादी के बाद गोवा की ट्रिप आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकती है। गोवा में अगर बीचेज की बात करें तो केंडोलिम बीच, अंजुना बीच, बागा बीच, वागातोर बीच, कोलवा बीच कपल्स की फर्स्ट चॉइस है। गोवा ट्रिप के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च होता है, लेकिन विशेष रूप से दिसंबर में यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए काफी अच्छे संख्या में यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं। नंबर 4 दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अपने खूबसूरत टी गार्डन और टॉय ट्रेन के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यह एक हनीमून डेस्टिनेशन भी है। दार्जिलिंग को द क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। यहाँ आप चाय के बगानों और देवदार के जंगलों सहित टाइगर हिल्स, दार्जिलिंग रोपवे और जूलॉजिकल पार्क आदि जगहों को कवर कर सकते हैं। मौसम साफ रहने पर आपको यहाँ से वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ की टॉय ट्रेन राइड यहाँ का एक खास आकर्षण है। नंबर 5 मन्नार। मन्नार केरल राज्य में वेस्टर्न घाट में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन भी है, जहाँ पर आप कई तरह के आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट की सैर कर सकते हैं। यह एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप प्रकृति के बीच पीसफुल टाइम बिता सकते हैं। जहाँ आप चाय के बगानों, कुंडला झील, अनामोड़ा की चोटी, टॉप स्टेशन, नदियों और अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जो आपके हनीमून की टूर को यादगार बना देंगे। यहाँ हरी चाय के बगान ऊंची पहाड़ी के ढलान पर काफी दूर तक फैले हैं। यदि आप खूबसूरत और शांत वातावरण की तलाश कर रहे हैं तो मन्नार का इको पॉइंट के लिए एक बेहतर चॉइस है। नंबर 6 उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में स्थित इंडिया का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी माना जाता है। अगर आप हनीमून पर एक रॉयल वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए उदयपुर सबसे परफेक्ट प्लेस है। यह जगह आपको राजशाही कल्चर, अपने शाही महलों और झीलों की वजह से यह हनीमून मनाने की पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाती है। यह चारों ओर से सुंदर अरावली की पर्वतों से घिरा हुआ है, जो इसे एक खूबसूरत और आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। नंबर 7 श्रीनगर। यह जगह मनाली और शिमला जैसे भीड़ वाले टूरिस्ट प्लेस से बिल्कुल अलग और सबसे खूबसूरत है। श्रीनगर में आपको लेक टेम्पल और बहुत सारे गार्डन देखने को मिलेंगे। आप दिन की शुरुआत शंकराचार्य मंदिर से शुरू कर शालीमार बाग, उलर झील, टूलिप गार्डन, बॉटनिकल गार्डन और निशांत बाग आदि को कवर कर सकते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन डल लेक है। नए एक्सपीरियंस के लिए आप डल लेक पर तैर रहे हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं, जिसमें कश्मीर के कल्चर को नजदीक से फील कर सकते हैं। नंबर 8 लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश और एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है, जहाँ जाने का सपना हर कपल का होता है। हनीमून के लिए यह एक बेस्ट प्लेस है। यह केरल के समुद्री तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप में आप अलग अलग प्रकार के पॉपुलर द्वीपों को विजिट कर सकते हैं। यहाँ के बीचेज के नज़ारे बेहद ही शानदार होते हैं। नंबर 9 ओली। उत्तराखंड राज्य का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो देश भर के एडवेंचर्स लवर्स लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओली अपने खूबसूरत नजारों और एडवेंचर्स स्पॉट एक्टिविटीज के लिए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। नंबर 10 डलहौजी। डलहौजी अपने नेचुरल ब्यूटी, ग्रीन फील्ड्स और अपने ब्रिटिश काल के परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। डलहौजी ऐसे टूरिस्ट प्लेस की कैटेगरी में आता है, जहां पूरे साल में किसी भी समय घूमने जाया जा सकता है। डलहौजी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
खजियार है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड व गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, जो बेहद ही खूबसूरत लगता है। डलहौजी में आप खजियार सहित रॉक गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंगिंग हिल्स, इन सब जगहों को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के मोस्ट फेमस और पॉपुलर हनीमून प्लेसेस, जहां आप अपना हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।